happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! दोस्तों मुंबई में चल रही है मॉनसून और आज हम लोग जा तो रहे थे दहानू बीच बट फाइनली वी एंडेड अप ऑन बोडी बीच। दहानू बीच मुंबई कर्स के लिए काफी कॉमन है लेकिन बोडी बीच बहुत ही अनकॉमन एक प्लेस है। मेरी जर्नी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल भी बताता रहूंगा, तो साथ रहिए और देखते रहिए अपना ये व्लॉग। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's दोस्तों हम लोगों ने दहानू स्टेशन से ऑटो लिया था और ऑटो अंकल ने हम लोगों को दहानू बीच पर छोड़ दिया। यहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करके हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, काफी साइलेंस है, शहर से दूर, और रहने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को फिलहाल यहाँ पर एक गोवा वाली वाइब मिल रही है। आए थे दहानू बीच और उतना कुछ खास नहीं मिला दहानू बीच में, मतलब अगर कपल के लिए अच्छा है, एक वन डे आउटिंग के लिए सही है। लेकिन दोस्तों हम हैं एक्सप्लोरर, हमें एक्सप्लोर करने के लिए जगह चाहिए, तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है बोडी बीच और उससे भी आगे है उमरगांव बीच। तो हमने डिसाइड किया हमें बोडी बीच जाना है और वहीं पर हम लोगों ने कोशिश की कुछ कैब वगैरह बुक करने की, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोकल ऑटो मिल रहे थे। फिर हमें ऑटो वाले जो भाई साहब मिले, उनकी स्टोरी सुनते हुए हम लोग जा रहे थे और भी नेचर के अंदर, पोल्यूशन से दूर, साउंड से दूर। जस्ट चेक दिस गाइस। चेंजिंग लैंडस्केप और पेड़ों के नीचे से हम लोग पहुंच रहे थे बोडी बीच। ऑटो वाले भाई साहब ने हमें बताया कि अभी जो लोकेशन आने वाला है इसे कहते हैं चीकूवाड़ी, यानी कि यहाँ पर सारे घर में चीकू की फार्मिंग होती है और इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस में यहीं से सुबह ट्रक से चीकू पहुँचाई जाती है। ये मीठा होगा ना? खट्टा मीठा दिखा। खट्टा मीठा प्रॉपर मीठा वाला कौन सा होगा? सिर्फ मीठा, सिर्फ मीठा। चीकू अचार और ये है ड्राइड चीकू, ये सिर्फ मीठा है, मतलब इसमें कुछ एडेड कुछ नहीं है। ये हम पहुंच गए बोडी बीच। आफ्टर अ शॉर्ट कॉफी ब्रेक हम बीच की तरफ गए। वहां पर और भी ज्यादा साइलेंस था कंपेयर टू दहानू बीच। यहाँ पर एक कॉलेज है और बीच पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कुछ दोस्त बैठे हुए थे, सब दूर दूर बैठे हुए थे, साइलेंस था। मतलब यहाँ पर आके लगता है कि जिंदगी स्लोमो में चल रही है और पता नहीं हम लोग भी बातें कम कर रहे थे, एक अलग ही माहौल था यहाँ पर। देखे वो
वैसे तो ये वन डे ट्रिप था दहानु के लिए, पर वहां से हम लोग आए बोडी। अब बोडी पर आने के बाद हमें लग रहा है यहाँ पर कम से कम एक दिन तो रहना ही चाहिए, क्योंकि नेचर वाइज ये इतनी खूबसूरत है। तो काफी पूछताछ के बाद हम लोगों को पता चला कि 2-3 किलोमीटर के अंदर ही कुछ होटल्स हैं, और ये 2-3 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चलेंगे। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। चलते हुए हम लोगों को सबसे पहले जो रिसॉर्ट दिखी वो है आनंद रिसॉर्ट। हम टायर्ड थे, पेट में चूहे भाग रहे थे, 3 बज चुके थे, सो विदाउट एनी सेकंड थॉट हम लोग सीधे अंदर गए। अंदर पहले तो कोई नहीं दिखा, और अंदर से तो लग रहा था किसी जमींदार के घर में आ गए। और अंदर जाके जो पीसफुल वाइब मिला, उससे लगता है कि इस गाँव में ऐसा ही कुछ होना चाहिए था रहने के लिए। कोई नहीं है क्या अभी? अच्छा लोग हैं, शाम को आएंगे। अच्छा शाम को आएंगे। शाम 6:30 आफ्टर लंच थोड़ा फ्रेश होकर हम लोग आए बीच पर। तो ये जो बोडी गांव है, ये एक कोस्टल विलेज है। यहाँ पर जो सनसेट देखने को मिला दोस्तों, बहुत सारी चीज़ होती है ज़िंदगी में कि आप हार्डली एक्सप्रेस कर पाते हो, और यहाँ की सनसेट उन चीज़ों में से एक है। एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आफ्टर डिनर कल रात 2 बजे तक हम लोगों ने इसी गार्डन पर टाइम स्पेंड किया, और 2-3 लाइट्स चल रही थी, हम लोगों ने जानबूझ के लाइट्स ऑफ किया। और जो अंधेरा और साइलेंस का जो मज़ा मिला, क्योंकि चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं था, कोई क्राउड नहीं था, सिर्फ हम ही थे, 2-3 और लोग थे,
और एक ट्रैवलर को यही फील चाहिए होती है। और सुबह देखिए धूप निकलने के बाद सब कुछ कितना फ्रेश लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि ये जो गांव है इसकी खासियत ये है कि ये जो बोडी विलेज है ये महाराष्ट्र की आखिरी विलेज है, इसके आगे शुरू होती है गुजरात, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज में आपको मराठी और गुजराती की एक मिक्सचर मिलेगी। और यही खासियत है हिंदुस्तान की, हर 50 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों की रहन सहन खान पान सब बदल जाती है। और एज एन एक्सप्लोरर मुझे यही सबसे चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि लोग अलग, खाना अलग, सोच अलग, और यही तो मुझे देखना है और जानना है। हमारे ऑटो वाले आएंगे, सबको छोड़ के आएंगे। अच्छा सुनिए ना, अभी हम लोगों को जाना है वो अपना ये नहीं है कहीं पर तो कुछ पुल ब्रिज वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर बोट वगैरह है। दानू स्टेशन के आगे कुछ राइट में लेना पड़ता है, वहाँ पर जाके बोला कुछ समुद्र किनारे से जाने का, तो वो जाएंगे आप? जाएंगे ना। तो यहाँ से कितना टाइम लगता है जाने? 1.5 घंटा लगता है। चलिए जाते हैं। वो जगह का नाम क्या बताया आपने? दानू नहीं, वो पिलाड़। ये है दहानू फोर्ट, इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर जरूर एक बार विजिट करना। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. अभी हम पहुंचे दहानू स्टेशन, हम यहाँ से लौट रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रिप था ये अनप्लान थी, बिल्कुल भी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। पर ये ट्रिप खत्म होकर भी नहीं हो रही है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी जो लैंडस्केप दिख रहे थे बहुत ही खूबसूरत था। और अगर ये बोडी विलेज की ट्रिप आपको अच्छी लगी है और आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बोंकोनिज्म।